बीते कल दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। कल आपने देखा कि किस तरह देश की राजधानी में उपद्रवियों ने आतंक मचाया था। दरअसल भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर हुई। विधायक ने मांग की है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। बलिया के बैरिया क्षेत्र से विधायक सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए उपद्रव की घटना अत्यंत निंदनीय है। इस कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी नेतृत्व से हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सिंह ने आरोप लगाया है कि उपद्रव की घटना के पीछे विदेशी हाथ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यह घटना हुई। घटना के बाद किसी कांग्रेस नेता का दुख न जताना इसे प्रमाणित करता है। इस बीच कांग्रेस ने भी उल्टा इस घटना के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस नेता ललन कुमार ने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर परेड के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके लिए भाजपा सरकार, गृह मंत्रालय और पुलिस व खुफिया एजेंसियां जिम्मेदार है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।